काफी लंबे वक्त के बाद करण जौहर की अपकमिंग मूवी आ रही थी जिसका नाम रखा गया था रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, जो कि यह मूवी बॉलीवुड इंडस्ट्री की तरफ से एक परफेक्ट फैमिली इंटरटेनर मूवी बताई जा रही थी। क्या यह मूवी परफेक्ट फैमिली इंटरटेनर मूवी है? इसके लिए आपको वीडियो पर एंड तक रुकना होगा, क्योंकि आज हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे कि रॉकी और रानी की प्रेम कहानी मूवी किस तरीके की है। मूवी में दिखाया जाता है कि रॉकी के दादाजी अपनी जवानी के टाइम 10 दिनों की ट्रिप पे जाते हैं। उन्हीं दिनों में उनको एक लड़की से प्यार हो जाता है। कुछ समय के बाद रॉकी के दादा बीमार पड़ जाते हैं अचानक से और वो खोए खोए रहने लगते हैं। तभी रॉकी को पता चलता है कि मेरे दादा की एक एक्स गर्लफ्रेंड थी, तो रॉकी भाई साहब निकल पड़ते हैं अपनी दादा की एक्स गर्लफ्रेंड को ढूंढने। क्या रॉकी भाई अपनी दादा की एक्स गर्लफ्रेंड को ढूंढ पाएंगे? इसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। आई थिंक जब मैं इस मूवी को देख रहा था तो मुझे ऐसा फील आ रहा था कि करण जौहर साहब को सब कुछ बड़ा पसंद है, जैसे कि गाने बड़े, गाने में यूज किए गए स्टेट बड़े और जाहिर सी बात है मूवी भी बड़ी। मूवी लगभग 2 घंटे 47 मिनट की है, मोटा मोटा मान लो तो लगभग 2 घंटे 40 मिनट की है क्रेडिट वगैरह के सीन हटाकर। लेकिन मेकर्स इस मूवी की स्टोरी को अच्छे से समझाते हैं कि हम इस मूवी से अच्छे से कनेक्ट हो पाए। जब रणवीर सिंह की एंट्री हुई तब कॉमेडी की एंट्री हुई। ऐसा समझ लो कि पूरा कॉमेडी वाला हिस्सा रणवीर सिंह ने अपने कंधे पर ले रखा है, क्योंकि पूरी मूवी में रणवीर सिंह एज ए कॉमेडियन की तरह हमको दिख रहे हैं। लेकिन करण जौहर साहब ने कास्टिंग अमेजिंग करी है, इस मामले में इनकी तारीफ करनी होगी, क्योंकि सभी एक्टर्स ने इस मूवी में अपना 100% दिया है। चलिए बात करते हैं कि इस मूवी को परफेक्ट फैमिली इंटरटेनर कह सकते हैं। जी हां गुरु, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस मूवी में कभी कभी किसिंग वाले सीन दिखाए जाते हैं जिससे यह मूवी परफेक्ट फैमिली इंटरटेनर मूवी नहीं बन पाएगी। इसी में चूक गए भाई साहब करण जौहर साहब। ऑल ओवर मेरा यह कंक्लूजन निकलता है कि इस मूवी को आप एक बार जरूर देख सकते हो। इसी के साथ मैं इस मूवी को देता हूं 5 में से 3 स्टार की रेटिंग। पहला स्टार मैंने इसलिए काटा है क्योंकि इस मूवी को परफेक्ट फैमिली इंटरटेनर मूवी नहीं कह सकते। दूसरा स्टार मैंने इसलिए काटा है कि इस मूवी को काफी लंबा बना दिया गया है, 2 घंटे की मूवी इनफ होती है। बाकी आपने इस मूवी को देख लिया है, हमको कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं एक और नई रिव्यू वीडियो के साथ। गुड बाय।